नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा। सर, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। धन्यवाद आपका। साल चुनावी है 2020, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने हैं। पहले बात आपकी गठबंधन को लेकर, अगर गठबंधन में ऑल इज वेल है तो बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है कि ऑल इज वेल है? जिसे आप अगर बार बार पूछेंगे कि आपके गठबंधन में सब कुछ बेहतर है, तो उसके जवाब में कहना पड़ता है कि ऑल इज वेल, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन। सामने में नीतीश कुमार भी कह रहा है कि चट्टानी एकता के साथ खड़ी है एनडीए। भाई, वो जिस पक्ष में है वो कहेंगे ही ना भाई, दिक्कत चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार जी तो इस बात को प्रायोजित करेंगे ही। क्या दिक्कतें हैं आपको लगता है एनडीए में? दिक्कत देखिए, दिक्कत क्या है, मैं तो लगातार इस बात को हमेशा दोहराता हूँ कि भाजपा के लोगों ने मान लिया है कि उनकी हार इस चुनाव में होनी है। नीतीश कुमार जी के चेहरे को आगे करना उनकी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। स्ट्रेटजी ऐसी कि कल होंगे जब वे चुनाव हारेंगे तो ठीक रहा, आखिर किसी के सर तो फोड़ना है ना, तो सर का इंतजाम उन्होंने कर लिया है कि भाई चुनाव हारने वाले हैं, चुनाव के उपरांत जब हम हार जाएंगे तो बता देंगे कि चूंकि हम इनके फेस पर चुनाव लड़े थे, एंटी इनकम्बेंसी इतनी हावी थी कि हम चुनाव नहीं जीत सके। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं साफ साफ कि बेरोजगारी ऐसा जो मुद्दा है आप लोग उठा रहे हैं, आप लोग अपने रोजगार तलाश रहे हैं। देखिए, गिरिराज जी की बातों पर तो रिएक्शन देना भी लगता है कि बेमानसा है। कभी विकास की बात करते हैं गिरिराज जी, जिस मंत्रालय के वे मंत्री हैं, बिहार में मंत्री रहे हैं, अगर उन मुद्दों पर आपने कभी उनका वक्तव्य सुना हो, कोई बाइट सुनी हो तो बताइएगा। बाइट देते हैं ऐसी भ्रामक या ऐसी उन्माद फैलाने वाली कि भाई मीडिया में बने रहे या लोगों का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे। निश्चित रूप से विकास का मुद्दा उनका एजेंडा है ही नहीं। अगर विकास का मुद्दा उनका एजेंडा होता तो 15 सालों में स्थिति ऐसी थोड़ी होती है। और इनकी एक स्ट्रेटजी होती है कि जनता का दमन इस कदर करना है कि जनता जीवित रहने को ही अपना विकास समझने लगे। तो क्या विपक्ष गिरिराज सिंह पे बात करना चाहता है? मुद्दा ही नहीं है गिरिराज सिंह, मुद्दा है बिहार का विकास, मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा। आपका गिरिराज सिंह आपका है शिक्षा, सामने वाले का है रोजगार, मिलन नहीं हो रहा। अरे मिलन तो है ही ना, हम इन सारे मुद्दों की बात करते हैं। अरे कोई शिक्षित होगा तो उसको रोजगार चाहिए ही होगा, सुरक्षित रहना उसके लिए बहुत ही जरूरी है, प्रदेश का विकास हो, इकोनॉमी अच्छी हो, इससे डेवलपमेंट ही होगा। शिक्षा की जब बात कर रहे हैं तो सवाल ये खड़ा होता है, कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की फटकार निकल कर आई थी सरकार के खिलाफ, सामान्य वेतन भी मांग रहे हैं नियोजित शिक्षक, इन सभी मसलों पर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो है वो घेर नहीं रही है शायद? नहीं, हम तो घेर रहे हैं लगातार। हमने कहा है कि हम नियोजित शिक्षकों की जो भी मांग है उसका समर्थन करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हाईकोर्ट से जीत के गए थे ये लोग, तो बिहार की सरकार ने इस चीज को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भले ही जजमेंट नियोजित शिक्षकों के विपक्ष में आया कि भाई आपको समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ माना अपने जजमेंट में कि हाँ, यह काफी चिंता का विषय है कि इतना कम वेतनमान क्यों मिलता है। बिहार की सरकार को एक कमेटी बनी थी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो कोर्ट में पेश हुई थी, उनको निर्देश दिया गया कि आपको इनके वेतनमान के बारे में सोचना चाहिए। क्या दिक्कत है? लेकिन इन दिनों में सोचा ही नहीं। नीतीश कुमार कह तो रहे हैं कि सरकारी स्कूल बनवाया, भवन बनवाया, देखिए लड़कियों को साइकिल दी, आज भी अपनी पीठ थपथपाया। अरे खुद की पीठ तो थपथपाएंगे, अगर ऐसी बात होती तो इतने लोग सड़क पर नहीं होते, काम किया तो पीठ थपथपा रहे हैं। आप वही बात है ना कि अगर किसी नल से जल टपकना शुरू हो गया, नल से पानी आना शुरू हो गया 10 वर्षों के अंतराल में, 15 वर्षों की सरकार के अंतराल में, आपने समझा कि यही विकास है? देखिए, मैसेज ऐसा देना चाहते हैं, आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका जो वेतन मान है बिहार सरकार में काम करने वाले किसी भी परमानेंट फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉय से भी कम है। मैसेज देना चाहते हैं ये लोग कि बिहार के बच्चों को पढ़ लिख कर प्यून बन जाना चाहिए, फोर्थ ग्रेड की नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन शिक्षक नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आपका शोषण इसी तरह से। तो प्यून बनने के लिए तो एमबीए के लाइन वाले खड़े ही हैं, वही स्थिति है ना। अगर आपने शिक्षकों का वेतनमान सम्मानजनक रखा होता, हमेशा आप उनको प्रोत्साहित करके रख रहे होते, तो रुझान बनता कि हमें भी शिक्षक बनना, कैसे हमें भी पढ़ाना। क्या क्या आप मांग क्या कर रहे हैं, कैसी शिक्षा चाहिए? आप तो शिक्षा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है गुणवत्ता? देखिए, हमारी पार्टी क्या होना चाहिए शिक्षा में, क्या मैं वही बताना चाहता हूँ आपसे कि हमने इसका ब्लूप्रिंट दिया है सरकार। जब हम 25 सूत्री मांगे करते हैं तो हमने बताया है साफ साफ कि किस तरह से आप शिक्षा की स्थिति को सुधार सकते हैं। हमने एक एक मांग की मैं चर्चा करता हूँ। हमने ऐसा कहा है कि जो भी शिक्षक फिट नहीं है आप उनको हटाइए मत, उनको किसी और काम में लगाइए। सबसे पहले आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा लेनी चाहिए कि हाँ भाई, हमारे शिक्षक जो किसी को पढ़ाने वाले हैं वे खुद योग्य हैं कि नहीं। एसटीटी वाले भी धरना दे रहे हैं, वो भी सरकार से खुश नहीं है। कौन है सरकार से खुश? बिहार की जनता कुछ नहीं है, शिक्षक कुछ नहीं है, व्यवसायिक कुछ नहीं है,
अरे स्टूडेंट्स खुश नहीं। अच्छा क्या ऐसा लगता है रालोसपा को, ऐसा क्या लगता है कि क्या ऐसा हो जाएगा तब आप लोग कहिए कि हाँ शिक्षा अच्छी है, क्या चाहिए? आप बात करते हैं किसी और स्टेट के मॉडल की। हमारा बस यही मानना है कि हम शिक्षा को बेहतर तभी मानेंगे जब यहाँ के सरकारी स्कूलों में एक आईएएस का भी बच्चा पढ़ेगा और एक रिक्शा चालक का भी बच्चा पढ़ेगा। जब सभी को समान सुविधा समान व्यवस्था मिलेगी तब जाकर हम मानेंगे कि हाँ शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है। सरकारी स्कूलों की नीतीश कुमार उसके लिए 5 साल और मांगेंगे। अब कितना मांगेंगे भैया, अब कितना मांगेंगे? जो काम 15 वर्षों में आपसे नहीं हो पाया उसके लिए आप 15 वर्षों भवन बनाने में चले गए। नहीं कबीर, देखिए भूत के जो पांव होते हैं वो पालने में दिखाई देते हैं। 15 वर्षों में बिहार का विकास इतना फिसड्डी साबित हुआ है, देश के पटल पे आप देख सकते हैं। आपने नीति आयोग की रिपोर्ट देखी है, आपने हाल के दिनों में देखा है कि किस तरह से हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। अरे इन सबको हमने देख लिया है। जब 15 वर्षों में आप 100 में से 5 अंक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हम किस हिसाब से आप पर विश्वास कर लें कि आप आने वाले 5 सालों में 95 का फासला तय कर लेंगे? अब हमें विश्वास नहीं। खैर ये तो विपक्ष की बात है, काफी सवाल भी आपसे लेंगे। अब तो आज से विधानमंडल का सत्र भी शुरू हो गया है, बजट सत्र है शुरू हो चुका है। उम्मीदें हैं कि इस बार बजट जब पेश होगा तो क्या उसमें भी सुशील मोदी कुछ पिटारा खोलेंगे? कोई उम्मीद नहीं है। किस बात की उम्मीद करें हम लोग? इतने वर्षों में जब कुछ नहीं हो पाया तो अब जाते जाते अगर कोई शिगुफा छोड़ने का एक असफल प्रयास भी करेंगे तो आप याद रखिए आलोक जी, अब जनता विक्रमित होने वाली नहीं है। अब जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी ही सिखाएगी। इसलिए चाहे कुछ भी कर लें, कैसी भी बात कर लें, अब इनकी सरकार नहीं बननी चाहिए। देखिए अब मुद्दों की ही बात होगी। देखिए अभिषेक झा ने साफ कह दिया है कि अब बिहार में दोबारा NDA की सरकार नहीं बनने वाली है। ये कितना भी शिगुफा छोड़ लें बजट सत्र में, लेकिन जो मुद्दे हैं विकास के मुद्दे हैं उन पर ही चर्चा होगी। विपक्ष उन पर ही आ रहेगा, भले ही कोई राजनीतिक दल कितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, कितना भी धर्म के आधार पर बयानबाजी कर ले, लेकिन ये विकास के मुद्दे पर ही अड़े रहेंगे। तो आने वाले समय में देखते हैं जनता किसे पसंद करती है, किसे वोट देती है। विकास क्रूज नीतीश कुमार का भी नाम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।